हाल है, क्या हाल है? मम्मी का फेवरेट तारा मंडल. व्हाट इज दिस? वाओ अल्बर्ट स्टीन यार. कौन सा सीट पे तुम बैठा हो भाई? तो आप क्या कहना चाह रहे महाकाश की सौर आधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया. हम तो चलो दीवाने सही अपनी बताओ कौन आ लिया है प्यार तेरा. वालिदा. और गाइस अभी हम लोग बिरला प्लेटिनियम के अंदर जा रहे हैं भाई, चलिए. आप देख लो फीस है ना, यू आर डूइंग गुड. आज वहां जाने वाले भाई जहां कभी हम नहीं गए, समझ रहे हो गाइस? जहां कभी हम नहीं गए वहां जाने वाले हैं, वहां आपको लेकर जाने वाले हैं, समझ रहे हो? वो मेरी वाला का फेवरेट जगह भाई, एक ज़माने से वो सफ़र नहीं है कि भाई वो जगह जाएंगे. मतलब हर जगह तो घूम ही चुकी है कोलकाता में, बट वो जगह वो वाला मेरी घूमी नहीं है और मैं भी नहीं घूमा. तारा मंडल, जिसको तारा मंडल बोलते हैं भाई, बोले ना कि बिरला प्लेटिनियम वहाँ पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का, मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, मतलब वहाँ पर मतलब दिखाया जाता है, बताया जाता है. तो वो जगह घूमें, लेकिन चलने वाला ज़बरदस्त वाला चीज़ है भाई. मैं भी बोले ना एक ज़माने से मैं भी सफ़र रहा हूँ, जाऊँगा, बट हो ही नहीं पाता. मैं वालदा अभी कल ही बोल रही थी कि चलना है वहाँ पर, चलना है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. सो गाइस बस निकलने वाले हम लोग, तो पहले वालदा से बात कर लेते. वालदा क्या आप बोल रहे हैं? चल चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बस रेडी हो जाइए, फिर रेडी है. अम्मी का ना बोले ना कि हंसी ही नहीं रुक रहा भाई, इतना खुश है ना कि मतलब एक सपना उनका पूरा हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो जगह को लेकर एक्सप्लोर करने वाला भाई, वो जगह को लेकर चल रहा, देखते हैं. हम भी मतलब उत्साहित है भाई, कैसा लीजिए वो जगह. सो देखते हैं, बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ. और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो बस वी आर आउट फ्रॉम दिस हाउस के. सबसे ऊपर लिख है तेरे नाम. मैं अभी आया हूँ बिरला प्लेटिनियम, जिसको तारा मंडल बोलते हैं भाई, कोलकाता का सबसे बहुत मशहूर जगह गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वाला घूमने वाला जगह गाइस. और वो किसी और के साथ नहीं, वो अपनी माँ के साथ में आया हूँ, समझ रहे हो? मेरी माँ का फेवरेट जगह. सो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, वेट करी मेरी वालिदा. और ये है बिरला प्लेटिनियम, ठीक है ना गाइस? अभी हम लोग आने वाले हैं विथ माई मॉम. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? तो गाइस अभी हम लोग जानेंगे अभी अंदर. और हम उस भाई पूरा एकदम लड़का चमक रहा, धमक रहा है. गाइस तारा मंडल भाई, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट. मतलब कैसा होगा? आप इससे पहले कभी आए हैं? हम तो आए पर याद नहीं, बहुत छोटे में आए हैं. सो भाई आप बड़े हो गए, हम लोग देखने वाले हैं कैसा नजारा रहेगा अंदर का, ठीक है ना? देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, अम्मी को भी दिखाते हैं. उससे पहले हम लोग एक बॉटल पानी ले लिए भाई. अंदर में पानी रहेगा ना रहेगा, क्या क्या बोलते हैं? सही है ना? भूला ही नहीं दे रहा. 500 का नोट लाया भाई, 20 रुपए का बोतल में, देख रहे हो गाइस? आए हाय, क्या बोलते हैं भाई आप? वालिदा. और गाइस अभी हम लोग बिरला प्लेटिनियम के अंदर जा रहे हैं भाई, चलिए. रेहान भाई देखिए, देखिए रेहान भाई ले रहे हैं. रेहान भाई क्या टिकट ले रहे हैं? 120 रुपये करके भाई एक टिकट. चलो टाइम हो गया, चलो. क्या चीज़ का टिकट है? अंदर प्लेटिनियम का शो का. कौन सा सीट पे तुम बैठा हो भाई? और गाइस ये रहा इनसाइड का सीन, ठीक है ना? और यहाँ पे हमें कुछ दिखने वाला है भाई, देख रहे हो? ये चीज़ें कुछ डिफरेंट दिख रही मेरे को यहाँ पे. बोलिए ना ले ऐसी है. वालदा आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाउज द फीलिंग भाई? अभी लोग आ ही रहे हैं, देख रहे हो? वो गेट है भाई, वो वाला एंट्री एग्जिट का वही वाला गेट है लग रहा है. गाइज ये हमें सिखा रही है कि कोई भी मोबाइल ओपन नहीं करेगा, सब मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर ले, नहीं तो इनका फंक्शन चल नहीं पाएगा गाइज. इस वजह से वो सबसे अपील कर रहे हैं. तारा मंडलों में से सबसे स्पष्ट है काल को महत्व रखते हैं. विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है. महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती.
सौर आधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौह अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को और गाइस आफ्टर फिनिशिंग लोग निकलते हुए भाई देख रहे वाह वालदा कैसा लगा? अच्छा लगा था। बोलिए कैसा लगा? हाँ कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा? ठीक ही था। देख रहे भाई किस तरह से लोग मतलब निकल रहे झुंड झुंड होकर। आपको कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको हम तो एसी का मजा ले रहे हैं। बाहर जाके देखिए कैसा मजा मिलेगा। भाई इधर क्या? भाई इधर भी देख देख लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज दिस भाई? स्टार स्टार नाइट स्काई ड्यूरिंग कोलकाता नाइट स्काई ड्यूरिंग 15। हाय हाय अंतरराष्ट्रीय सोलर सिस्टम देख रहे हो गाइस? ये सब चीजें हैं आपको सब तारामंडल में देखने को मिलेगी। देख रहे हो यहाँ पे ना हर कंट्री का मतलब टाइमिंग आपको दिखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ना बहुत अंतरिक्ष चीज़ें यहाँ पे मौजूद है भाई। क्या बोल रहे हैं ब्रोज? बहुत चीज बोले ना पूरा सोलर सिस्टम प्लैनेट का बहुत ऐसी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन दिया है। बहुत 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 ज़्यादा इधर से बच्चे लोग को लाओ भाई। बच्चे लोग को लाओ और यहाँ पे आखिर में समझ में नहीं आ रहा इधर से यहाँ पे पता चला अभी तक हमें समझ में इधर भी नहीं आएगा। नहीं समझ में आ जाएगी जिस तरह से बता रहा था ना पूरा हिंदी में एकदम कंठस्थ बता रहा था भाई। और देख अम्मी का फेवरेट तारा मंडल देख रहे ना मी फाइनली यार बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त वाला लग रहा था यहाँ पे। एक अलग सा फील हो रहा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। बट ऐसा कुछ मेरे को मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना कुछ दिखाएगा अंदर। बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ समझ में आया भाई। और यहाँ पे देख रहे हो लोग फोटोशूट कदर से मतलब। सो गाइस फाइनली हम लोग ना यहाँ से एग्जिट ले रहे भाई क्योंकि अभी अभी काफ़ी एक दो जगह और कोलैब करना है। एक दो जगह और हम लोगों को जाना है भाई। हॉन्टेड प्लेस जाना, हॉन्टेड प्लेस जाना है ठीक है ना। सो बने रही हमारे साथ वे गम्मी यार। हम लोग इधर ही से निकले ना। आई एम लुकिंग और हमारी वालदा वहाँ बैठी है भाई। और भाई बाय बाय बिरला प्लेटिनियम। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा। और गाइज ये देख रहे हो बिरला प्लेटिनियम में कितना भी लाइन हो गया। हम लोग पर बोले तो निकल गए। इसके बाद लाइन लंबा लाइन हम लोग के टाइम में लाइन ही नहीं था भाई। डायरेक्ट काउंटर पे गए टिकट कटा लिए। तो फाइनली हम लोग निकल रहे आउट अपने घर की तरफ भाई। कैसा लगा मॉम? अच्छा लगा। अम्मी बहुत खुश है। और नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ पे आने वाला हूँ ठीक है। ये ज़बरदस्त चर्च है और क्या बोलते हैं इसको म्यूजियम भी है। तो बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बने रहिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर